आहार विहार सेवी समीक्षकारी विषये स्वसप्तः दाता समः सत्यपरः शमवान् आप्तोपसेवी च भवत्यरोगः। मतिर्वचः कर्म सुखानुबन्धी सत्वं विधेयं विशदाच बुद्धिः ज्ञानं तपः तत्परता च योगे यस्यास्ति तं नानुतपन्ति रोगाः। योगेन चित्तस्य पदेन वाचां मलं शरीरस्य च वैदकेन योपाकरोतं प्रवरं मुनीनां पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। संपूर्ण स्वास्थ्य का विज्ञान एवं दर्शन आयुर्वेद। आइए आज हम चर्चा करने वाले हैं पंचकोश के विषय में। वैसे देखा जाए तो यह विषय योग का है। योग में ये जो चक्र हैं, कोश हैं या बाकी योग क्रियाएं हैं, मुद्राएं हैं, इनका वर्णन योग के माध्यम से ज़्यादा किया जाता है, परंतु आयुर्वेद में भी इसका वर्णन है। आयुर्वेद में इसलिए वर्णन है क्योंकि यह भी स्वास्थ्य से संबंधित ही चर्चा है, बात है। तो आज हम जरूरी होने की वजह से इसकी चर्चा करेंगे और मैं बहुत अच्छे सरल शब्दों में आपको समझाने का प्रयास करूँगा, क्योंकि योग और आयुर्वेद के अनुसार देखें तो ये जो मानव शरीर है ना, ये ईश्वर के द्वारा जो बनाई गई एक अनुपम अद्भुत रचना है। ये मानव देह को जो है इसको अद्भुत विशेष माना गया है और इसीलिए भारतीय जो हमारी जो अध्यात्म विद्या है ना, उपनिषद आदि जो ग्रंथ हैं, उनके अंदर शरीर के अंतःकरण हुआ उनकी क्रियाओं का बहुत बहुत ही सूक्ष्मता के साथ में वर्णन किया गया है। और वर्णन करते हुए इनसे परे आत्मा की सत्ता की अनुभूति के लिए पंचकोश का विवेचन किया गया है। जैसे हमने बात की आत्मा की, हमने बात की मन की, बात की मन को पहचानना हो, आत्मा को जानना हो तो हम क्या करें, तो ये पंचकोश भी इसके साधन हैं। यानी कि पहचानना है, जानना है मन की क्रियाओं को, समझना है इंद्रियों को, पाना है आत्मा को, होना है प्राप्त होना है मोक्ष को, तो इसके लिए ये साधन हैं। इन साधनों को हम ऋषि लोग अलग अलग तरह से समझाने के लिए अलग अलग तरह से इसकी व्याख्या, इसका वर्णन और इसकी जो है ना इसके स्वरूप को बनाया है उन्होंने। वो सरलता से जो आपके अंदर यह प्रविष्ट हो जाए, सरलता से हम लोग समझ सकें, जो मानव है ना वो समझ सकें, क्योंकि हमारे पास अल्प ज्ञान है। उस अल्प ज्ञान में भी समय का अभाव है, समय के अभाव में भी कहीं ना कहीं हमारी रुचि भी नहीं है, रुचि भी बनती नहीं, क्या करेंगे इस तरह के ये विषय हैं, चलो ना तुम थोड़ी देर का समय टीवी में बैठे हैं, अरे रोचक की चीज़ देखो ना, मनोरंजन देखो, पिक्चर देखो, टीवी में दूसरे इस तरह के अलग अलग तरह के प्रोग्राम्स आते हैं, हमारा मन ये कहता है चलो ये न्यूज़ का समय है, ज़रा देखो तो देश दुनिया में क्या हो रहा है। तो देश दुनिया को जानना जरूरी है, पर देश दुनिया को जानने के चक्कर में हम अपने आप को ही भुला देते हैं। तो ये अपने आप को जानने का साधन है यह योग, यह आयुर्वेद, ये हमको अपने आप को जानने के लिए कहता है। जब हम अपने को जानेंगे तो हम दूसरे की चिंता करेंगे, यदि हम अपने को नहीं जानेंगे तो हम किसी के लिए भी प्रवाह करने वाले नहीं हो सकते।
जो अपने को जानते हैं वो दूसरे की परवाह करते हैं, और अपने को जानने का साधन योग और आयुर्वेद के अतिरिक्त और कहीं भी दुनिया में नहीं है। तो इसीलिए आत्मा, आत्मा की हम बात कर रहे हैं, हम परमात्मा की बात कर रहे हैं। तो कहा कि जो आत्मा है ये पंच कोशों से परे है, सूक्ष्म है, निर्विकार है, परंतु वह आत्मा जो है क्लेश, राग, अज्ञान, बंधनों से मुक्त है। परंतु उससे यदि वो आत्मा मुक्त है तो हमको भी तो मुक्त होना है। शरीर के साथ बंधे होने की वजह से हम मुक्त नहीं हैं। तो मुक्त होना है तो क्या करना पड़ेगा, हमको आत्मदर्शन की प्राप्ति करनी होगी, आत्म साक्षात्कार करना होगा। इसीलिए इसका विधान शास्त्रों में किया गया है। तो आत्म साक्षात्कार तक पहुँचना है, यानी कि हमको आत्म साक्षात्कार पाना है, तो हम बहुत तप करते हैं, बहुत साधना करते हैं, उसके लिए बहुत जप करते हैं, बहुत मंदिर आदि, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे और न जाने कहां कहां पर तीर्थ और अलग अलग स्थानों पे, अलग अलग जगहों पर हम जाते रहते हैं। क्या आत्म साक्षात्कार उससे हो जाएगा? मुझे तो लगता है कि वहां जाने से होता तो वहां जा कर के जब आते हैं तो मन में कोई ज़्यादा परिवर्तन आता नहीं। यदि उन जगह, क्षमा करिएगा, मैं किसी की स्तुति या निंदा नहीं कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि जहाँ जाने से यदि हमारा हमारे मन में परिवर्तन आ जाए, जहाँ जाने से हमको ऐसा लगे कि हाँ अंदर परिवर्तन हो गया है, वहाँ जाना चाहिए, क्योंकि सब कुछ का अंततः जो उसका लक्ष्य है वह आत्म साक्षात्कार तक, आत्म साक्षात्कार ही है। तो वहाँ पहुँचने के लिए हमें ऋषियों ने कि बाहर की दुनिया में मत भटको, अपने शरीर के अंदर झांको, उस शरीर के अंदर जो पंचकोश जो है उसको समझो, और इन आवरणों से पार जब हो जाएंगे तो निश्चित रूप से आप आत्मा को समझ पाओगे। इसीलिए हमारी जो प्राचीन ऋषि महर्षियों की ये दृढ़ मान्यता और अवधारणा थी कि स्थूल शरीर, उसकी जो क्रियाएं हैं, मन है, बुद्धि है, अहंकार है, ये आत्मा है, इनका ठीक बोध होने से ही व्यक्ति जो है शरीर को भी ठीक रख सकता है, अपने कर्मों को भी ठीक रख सकता है, अपने आचरण, व्यवहार और विचार को भी ठीक कर सकता है। जब सारी चीज़ें ठीक हो गई तो मन में संतुष्टि होगी, जीवन में सुख होगा, और शरीर के अंदर रोग मुक्त होकर के संसार के सभी जो है उत्तम कर्म को करता हुआ वो परमात्मा को भी पा सकेगा। कितना सरल सिद्धांत, कितना सरल उपाय। इस सरलता को छोड़ करके हमने इसके लिए बड़े बड़े कठिन मार्गों का चयन किया है। तो आइए आज मैं यह प्रयास करूँगा, प्रतिदिन का जो हमारा यह प्रयास है स्वास्थ्य विज्ञान का, इस दर्शन का, जो हम इसकी जो हम चर्चा कर रहे हैं, इसका यही प्रयोजन है कि हम किस तरह से अपने को पहचान करके आनंद में रह सकते हैं, रोग मुक्त हो सकते हैं। क्योंकि रोग मुक्त होने का भी एक ही प्रयोजन है, जिससे कि हमको सुख मिले। तो इस प्रयोजन के लिए उन्होंने अनेक स्थानों पर स्थूल देह से लेकर के आत्मा, परमात्मा तक के सूक्ष्म रहस्यों को बहुत ही प्रामाणिकता के साथ समझाया है। योग और आयुर्वेद के अनेक ग्रंथ, इसके बहुत सारे उदाहरण हैं। यदि आप हमारे दर्शनों को पढ़िए, दारा सिकोहा जैसा जो तो इस्लामिक व्यक्ति भी हमारे उपनिषदों को पढ़ करके इतना प्रभावित हो जाता है कि वो अपने उपनिषदों को उसने अरबी में अनुवाद करता है, फारसी में अनुवाद करता है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप ज्ञान के लिए रास्ता मत मोड़िए। आपके संप्रदाय के हिसाब से, आपके मत के हिसाब से, आपके पंथ के हिसाब से जो सिखाते हैं, वस्तुतः वो ज्ञान हो, क्षमा करिएगा, जरूरी नहीं है। ज्ञान तो अपने बुद्धि के कपाट को खोलिए, अपने ज्ञान के चक्षु से देखना शुरू करिए। जब आपके चक्षु से जो दिखे, आपके आँखों से जो दिखे, दूसरों ने जो दिखाया है उसको आँख मूंद करके आप भरोसा मत करिए। जो आपकी आंखें देखें, उस आंख से देखी हुई चीज़ों को समझने का आप प्रयास करिए। इसके लिए जैसे मैंने कहा कि पंचकोश का संबंध वैसा देखा जाए तो आयुर्वेद से सीधा संबंध तो नहीं है, परंतु योग में इसको बहुत महत्वपूर्ण माना है। इसलिए हमने इसको शरीर विज्ञान के साथ में, क्योंकि ये शरीर विज्ञान से संबंधित है, और इसीलिए हमने कहा कि इसको यहाँ पर जानना जरूरी है। आयुर्वेद के विद्यार्थियों को भी ये पंचकोश, अष्टचक्र, इन सब को समझना जरूरी है। तो आज हम इसीलिए इस विषयों की चर्चा आयुर्वेद के अंतर्गत पंचकोशों की चर्चा कर रहे हैं। यानी आपने योग के अंतर्गत पंचकोशों की चर्चा जरूर सुनी होगी, पर आज हम आयुर्वेद के अंतर्गत इसकी चर्चा कर रहे हैं। पहली बात है कि जो अन्नमय कोश है, अन्नमय कोश जो है यह जो ये भौतिक जो स्थूल देह है,
यानी कि अन्नमय कोष शरीर के स्वास्थ्य एवं रोग का संबंध मुख्यतया अन्नमय कोष से ही है। यानी कि सबसे पहले रुग्ण होता है तो ये स्थूल देह के अंदर उसकी प्रतीति होती है, तो इसको बोलते हैं अन्नमय कोष। दूसरा कोष का नाम है प्राणमय कोष। अन्न के बाद जो होता है प्राणमय कोष, देह की जो शक्ति और ऊर्जा का जो स्रोत है, जहाँ से शक्ति आती है शरीर के अंदर, उसको कहा जाता है प्राणमय कोष। तो वह तीसरा होता है जिसको हम बोलते हैं मनमय कोष। इसमें संयम से सकल इंद्रियां और उसकी शक्तियों का बोध होता है। मन के विषय में हमने बहुत सारी बात की, पंच पंचक में भी हमने मन और बुद्धि की बात करी, तो वह तीसरा है हमारा मनमय कोष। चौथा है जिसकी मैं बात करना चाहता हूँ, विज्ञानमय कोष। जो निर्णय करने की जो शक्ति है, क्षमता है, वो विज्ञानमय कोष के अंतर्गत कहा गया है। पांचवा है जिसको हम कहते हैं आनंदमय कोष। इसके अंदर संपूर्ण जो तत्व का जो यथार्थ बोध का ज्ञान हो जाता है, यानी जब आत्म साक्षात्कार हो जाता है उसको, इन पंचकोशों का अपना विशेष महत्व है। ध्यान रखिएगा, चाहे साधना की बात हो, ध्यान की बात हो, तो इसमें उचित आहार विहार के द्वारा, योग के द्वारा, ये जो है ना अपना साधक इन्हीं स्थूल देह से वो सूक्ष्मता की ओर बढ़ता है। तो आपको भी सूक्ष्मता की ओर जाना जरूरी है। इसलिए नहीं कि आपको परमात्मा को पाना है, इसलिए कि कम से कम शरीर को तो आपको ठीक रखना है। अच्छी बात है यदि आप परमात्मा को पाना चाहते हैं, तो नहीं तो देह को ठीक रखने के लिए भी आपको और सूक्ष्मता की ओर अग्रसरित होना है। इसीलिए कहा भी है कि देहाद अभ्यंतर प्राण, प्राणाद अभ्यंतरम मन, ततः कर्ता ततो भोक्ता गुहा सेयम परंपरा। ये पंचदशिका है, ये पंचकोश विवेक के अंदर ये वर्णन किया गया है। यानी कि स्थूल शरीर रूप अन्नमय कोष से प्राणमय कोष सूक्ष्म है। यानी स्थूल रूप जो शरीर है वो अन्नमय कोष है, अन्नमय कोष प्राणमय कोष सूक्ष्म है, प्राणमय से जो है सूक्ष्म मनोमय कोष है, और उससे जो सूक्ष्म है मनोमय कोष से भी वो विज्ञानमय है, और विज्ञानमय से सूक्ष्म आनंदमय कोष है। इस प्रकार अन्नमय कोष से लेकर के आनंदमय कोष पर्यंत उत्तर उत्तर हम सूक्ष्म कोषों का यह जो समूह है ना, इस समूह को ही गुहा शब्द कहा गया है। गुहा शब्दों में कहा कि गुहा का अर्थ है जहाँ आत्मा का निवास होता है। यानी कि जो शरीर का जो सबसे सूक्ष्म भाग है, जो गुहा है, उसके अंदर आत्मा का निवास माना गया है। तो हम क्या करें, जब व्यक्ति जो होता है ना ध्यान साधना करता है, योग करता है, करते 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 वो स्थूल देह जो यह अन्नमय कोष है उससे सूक्ष्मता की ओर गति करने लगता है। वो ध्यान करने से जब बैठते हैं ना आप, तब स्थूल देह का भान नहीं होता। जब बैठते हैं हमको पता होता है कि हम बैठे हैं, फिर थोड़ी देर के बाद लगने लगता है कि हाँ अंदर हमको कुछ दिखाई दे रहा है, कुछ प्रकाश दिखाई दे रहे हैं। यानी कि धीरे 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 सूक्ष्मता के साथ वो गति करता होता है, अंदर 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 जाना शुरू करता है। जितना अंदर अंदर प्रविष्ट करता रहता है वो विकारों से रहित होता जाता है। इसी तरह से वो उत्तर उत्तर कोषों को पार करता जाता है, अंत में पूर्ण आनंद की स्थिति को प्राप्त करता है। ये सतत अभ्यास का यह विषय है। तो इसीलिए मेडिटेशन, ध्यान, इसकी बड़ी महत्ता बताई गई है। ध्यान के साथ में हमको, ध्यान तो बैठ करके होता है पर कार्य बाहर प्रवृत्त होने से होता है। जब बाहर के कार्य उलझे हुए होंगे तो कितना भी ध्यान करो मन सुलझेगा नहीं। इसलिए बाहर के कर्मों को ठीक करो फिर ध्यान करो तो सब कुछ सुलझा हुआ नजर आएगा। आप इसको समझिए, उसी का ही नाम आनंदमय कोष है। उस कोष को गुहा में प्रविष्ट होने के लिए इन स्थूल देह का ज्ञान होना और इसका कर्मों का बोध होना जरूरी है। इसीलिए हम आयुर्वेद के माध्यम से भी इसकी चर्चा कर रहे हैं, जिससे व्यक्ति के शारीरिक रोगों, मानसिक विकारों, या तभी तो बचोगे, जब बचोगे तो मनुष्य का जीवन का लक्ष्य प्राप्त कर सकोगे। आपको कुछ भी करना है तो अच्छे काम करना हो या बलशाली बन करके ही, निरोग बन करके ही आप कर पाएंगे। तो इसीलिए कहा कि उपनिषदों में कहते हैं यह संसार क्या है, दिव्य शक्ति का केंद्र है, दिव्य ऊर्जा का केंद्र है, और उस दिव्य ऊर्जा और शक्ति के द्वारा ये सब कुछ संचालित है। और जो व्यक्ति उसको जान लेता है तो फिर उसको कुछ भी जानना शेष नहीं रहता है। ये उपनिषदों के अंदर बड़ा ही वर्णन है। इसीलिए कहा कि वही सत्य है, वही अनंत है, और कहा वही ब्रह्म है। उसी ब्रह्म से ही सब कुछ बना है। आकाश, आकाश से वायु, वायु से अग्नि, अग्नि से जल, जल से पृथ्वी, पृथ्वी से औषधियाँ, औषधियों से अन्न, अन्न से वीर्य, वीर्य से यह पुरुष अर्थात यह शरीर बना है। इस प्रकार यह स्थूल शरीर ही अन्नमय कोष है। यानी ब्रह्म से
सारी चीज़ें प्रारंभ होती हैं, स्थूल देह में वो समाप्त हो जाती हैं और स्थूल देह के द्वारा ही फिर हम ब्रह्म के तक पहुंचने का प्रयास करते हैं, तो ये कड़ी जुड़ जाती है। यानी ब्रह्म से देह, देह से ब्रह्म तक की यह यात्रा है, बाकी तो बीच के पड़ाव हैं। इसको जानने के लिए पंचकोश एक बड़ा साधन है, इसलिए अन्नमय कोश रूपी शरीर के ज्ञान से, इसके निरुक्तता से ही हम सारे संसार को जान करके फिर सुख और आनंद को प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए शास्त्र में कहा, अन्नाद भूतानि जायन्ते चातान्यन्नेन वर्धान्ते अद्यते अति च भूतानि तस्माद् अन्नम तद् उच्यत इति तस्माद् वा एतस्माद् अन्न रसम आयत। ये तैत्तरीय उपनिषद में है, यानी कि यहाँ क्रमशः कोशों का जो विवरण है वो प्रस्तुत है। तो किस तरह से, ये तो जैसे हमने जाना, अब हम इसको कोश कैसे हैं, इस क्रमशः इन कोशों का विवरण को हम समझें, इसको जाने कि कैसे हैं फिर ये कोश, तो इसकी हम प्रस्तुत कर रहे हैं अभी आपको। कि जैसे कि पहला, जैसे मैंने कहा कि अन्नमय कोश, अन्नमय कोश की रचना किससे हुई है, इसकी शरीर की रचना अन्न से हुई है, इसलिए अन्नमय कोश कहा है। अन्नमय कोश का संबंध पृथ्वी से है, क्योंकि वह सबसे स्थूल है, अन्न की उत्पत्ति पृथ्वी से होती है, अन्न से स्थूल देह का निर्माण होता है, अतः शरीर के स्वास्थ्य या रोग का संबंध है ना, वो अन्नमय कोश से ही है, यानी देह से है, यानी पृथ्वी से है। अन्नमय कोश से ही यह शरीर बना है, अन्नमय कोश से ही यह पृथ्वी तत्व से ही पृथ्वी बनी है, तो इसीलिए पृथ्वी की औषधियों से ही देह ठीक होता है। तो अन्नमय कोश के लिए शुद्ध करने के लिए जरूरी है उचित आहार विहार या शोधन की षटकर्म आदि क्रियाएं, और फिर मुद्रा है, आसन है, इन सब के अभ्यास से जो है ना शरीर को सुडोल बनाइए, सुदृढ़ बनाइए, इससे इसको सहायता मिलेगा। तो इसीलिए यह हुआ अन्नमय कोश। दूसरा जो मैं बात कर रहा हूँ प्राणमय कोश के संदर्भ में, जो प्राणमय कोश है वो स्थूल शरीर से सूक्ष्म है, जिसको हम प्राणिक शरीर भी कहते हैं या उसको प्राणमय कोश भी कहते हैं, जो प्राण प्रवाह अदृश्य है, दिखता नहीं है, परंतु यह जो देह का जो धारण है वो प्राणों के द्वारा ही आश्रित है, ये आपको समझना चाहिए। और यह भी सत्य है कि शारीरिक स्वास्थ्य जो है वो नाड़ी निर्मित शरीर पर ही निर्भर करता है, यानी कि जो नस नाड़ियाँ हैं, और कई बार हम कहते हैं कि जो नाड़ी कहते ही हमको ध्यान आता है कि जो नस नाड़ियाँ ही नाड़ी हैं क्या, नहीं, इसके अंदर बहुत सूक्ष्म जो जहाँ पर तरंगों के रूप में शक्ति का प्रवाह भी चलता रहता है वह भी नाड़ी है, इसको भी आपको समझना है, जिसमें कि प्राण प्रवाहित होता रहता है लगातार चलता रहता है, तो देह की शक्ति व ऊर्जा का स्रोत जो है वो प्राणमय कोश है। इसी तरह से जो पूरा ब्रह्मांड का जो वायु तत्व है शरीर के अंदर जो है ना, जो ब्रह्मांड में जो वायु दिखाई देता है, वो जब शरीर के अंदर जाता है तो प्राण के रूप में काम करना शुरू कर देता है, वो सर्वगत होते हुए भी सब जगह जब है तो भी देह में स्थित है होते हुए भी उसको प्राण कहते हैं। तो प्राण के विषय में हमने पहले थोड़ी चर्चा की कि प्राण जो है मुख्य रूप से 5 घटक हैं, प्राण आपान समान उदान और व्यान, इसके 5 उपघटक भी हैं, जिसको हम नाग कूर्म क्रिकल देवदत्त और धनंजय कहते हैं। तो इस तरह से जो प्राणमय कोश के 5 मुख्य घटकों का विवरण जो है उनको हमको थोड़ा जानना भी बहुत जरूरी है। थोड़ा सा हमने पहले प्राणों की चर्चा की थी जब हमने वातपित्त कफ की बात की थी, तो फिर मैं दोबारा थोड़ा सा आपको बताने का प्रयास करता हूँ। प्राण उसको कहते हैं जो देहगत जो प्राण है ना, जो शुद्ध वायु है जो देह में प्रवेश होकर के जो श्वास प्रश्वास की गति प्रदान कर करके जठराग्नि को प्रदीप्त करता है, उसको प्राण कहा जाता है। अपान उसको कहते हैं कि अपान नामक जो वायु है ना, यह इसके रूप में क्या कि शुक्र है, मल मूत्र आदि का जो विसर्जन है या उनका जो धारण भी करता है उसको अपान कहा जाता है। समान उसको कहते हैं वो जो वायु है देह में अन्न जल रस रक्त आदि धातुओं में जो बदलता रहता है, जो खाए हुए अन्न को परिणित कराता है, उसको समान कहते हैं। उदान उसको कहते हैं कि रात को सोते समय गाढ़ निद्रा में जीव को जो विश्राम दिलाता है, आनंद प्रदान कराता है, शुभ अशुभ कर्म की सुख दुख की प्राप्ति जो उदान वायु के द्वारा ही होती है, आप इसको समझिए। फिर व्यान, ये व्यान वायु के रूप में ये संपूर्ण देह में व्याप्त होकर के चेष्टा आदि जो भी हम कार्य करते हैं, रस धातु आदि का जो निर्माण करना, पूरे शरीर में फैलाने का काम है, यह 5 प्रमाण करते हैं। तो इसी तरह से 5 उपप्राणों का जो कार्य है, जैसे आप इसको समझिए कि इनके जो मुख्य स्थान है, इनके
जो मुख्य काम है हम उसकी थोड़ी चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि आपने देखा कि पांच प्राण जो है वह क्या क्या करते हैं। तो जो पांच जो प्राणों में से प्राण कहाँ रहता है, यह मुख से लेकर के हृदय तक रहता है, यानी प्राण का स्थान है मुँह से लेकर के हमारे दिल तक। कार्य है हृदय फेफड़ों की क्षमता को बनाए रखना। जो उदान है, उदान का जो मुख्य तत्व है, प्राण का जैसे मैंने बताया वायु तत्व है, तो उदान का जो मुख्य तत्व है वो आकाश है। आकाश का जो इसका जो स्थान है, इसके लिए उदान के लिए कहा कि कंठ से लेकर के कपाल के मध्य तक, यानी कि कंठ जो हमारा गला है इससे लेकर के कंठ के मध्य तक। कार्य है इसको गमन करना, शब्दों की अभिव्यक्ति करना, जो मुंह से हम बोलते हैं करते हैं सब। समान अग्नि को कहा, इसका जो तत्व है वो अग्नि तत्व प्रधान कहा गया समान प्राण को। इसका जो स्थान है इसको कहा कि हृदय से नाभि तक, यानी कि हमारे दिल से लेकर के हमारी नाभि तक का जो स्थान है वह इसका स्थान है। इसका काम है भोजन को पचाना, चबाना, ये सब सप्त धातुओं का निर्माण करना। जो अपान है, अपान के लिए कहा गया ये पृथ्वी तत्व प्रधान है, यानी मल मूत्र आदि का जो करना, इसका स्थान है नाभि से, यानी कि हमारी नाभि से लेकर के हमारे पैर तक का जो स्थान है ये अपान वायु का स्थान है। इससे मल मूत्र रजवीर्य का जो उत्सर्जन विसर्जन, कमर से पैरों तक का जो अंगों को गतिमय बनाने का काम है, ये सब काम अपान वायु का है। फिर कहा व्यान, व्यान का जो काम क्या, इसका तत्व के रूप में कहा यह जल प्रधान तत्व वाला है, पर इसका जो स्थान है ना सारे शरीर में यह काम करता है, सब नीचे से लेकर के ऊपर तक सारे। बाकी जो चार जो प्राण है, प्राण अपान समान उदान जो है, इन सबको भी यह उसके साथ साथ में ये काम करता रहता है। जो पांच उपप्राण कहा, जो नाग है, नाग का तत्व वायु कहा गया है, मुख से हृदय तक। कार्य डकार हिचकिलाना, क्रिकल है तो अग्नि है, इसका स्थान कंठ है। तो कंठ में क्या करता है कि वह भूख प्यास लगाने का काम करता है। जो कूर्म है वो क्या करता है, वो उसका जो तत्व तो वो है पृथ्वी कूर्म का, उसका काम है पलकों का झपकने वगैरह का काम करना। देवदत्त में जो कहा गया कि ये जो उपप्राण में चौथा है देवदत्त, उसका तत्व माना गया आकाश, उसका काम है अंगड़ाई लेना, छिक करना, देवदत्त का काम ये है। धनंजय के लिए कहा गया ये पांचवा है उपप्राण में अंतिम है, इसका मुख्य तत्व जल कहा गया। ये क्या करता है कि ये मरने के बाद में भी ये प्राण लास्ट तक काम करता है, उसका नाम है धनंजय। यानी कि धनंजय प्राण एक ऐसा है कि मरने के बाद में भी जो शरीर को सड़ने नहीं देता है, वह काम आपका धनंजय प्राण का काम है। इस तरह से हमने अभी समझा कि जो हमारा पंचकोश है, पंचकोश में अन्नमय कोश, अन्नमय कोश के बाद में प्राणमय कोश, प्राणमय कोश के पांच पंच प्राण, पांच उपप्राण, इसके जो कार्य हैं, इनका जो स्थान है, हमने उनको समझा। अभी बाकी और हैं, हमारा मनोमय कोश है, विज्ञानमय कोश है, आनंदमय कोश है, इसकी चर्चा करेंगे। तो आज आप इसको समझिए, प्राण को समझिए, अन्नमय कोश को समझिए। कल फिर यानी अगली कड़ी में इन विषयों को लेकर के हम होंगे आपके बीच। तब तक आप मुझे दीजिए विदा। ओम। ऋषियों के ज्ञान से लेकर प्रकृति के वरदान तक, आयु के विज्ञान से लेकर आयुर्वेद के सिद्धांत तक, प्राचीन चिकित्सा पद्धति के हर पहलू का प्रासंगिक विवेचन, ऋषिकल श्रद्धेय आचार्य बालकृष्ण जी द्वारा सरल भाषा में स्वरचित सृजन, हिंदी अंग्रेजी सहित विश्व के 70 से अधिक भाषाओं में लाखों की संख्या में प्रकाशित बेस्ट सेलर अद्वितीय ग्रंथ आयुर्वेद सिद्धांत रहस्य, आज ही घर लाएं, आयुर्वेद से स्वस्थ जीवन का आधार पाएं।